नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है जो कि इम्पोर्टेंट है यूनिट 7 से एसडीजी गोल्स को लेकर के जो क्वेश्चन आते हैं उनको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि एसडीजी गोल्स के अंदर जो है एसडीजी के अंदर कितने गोल हैं। 17 गोल्स हैं और 169 टारगेट्स हैं और 304 इंडिकेटर हैं जो कि प्रपोज किए गए थे यूएनजीए के द्वारा, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा इसको किया गया था, और जिसको हम पोस्ट नेगोशिएशन या डेवलपमेंट एजेंडा बोलते हैं 2015 के बाद, क्योंकि इसके पहले एमडीजी थे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, उसके बाद आपका एसडीजी आया 2015 से लेकर 2030 तक का टाइम लाइन है। तो उसका जो टाइटल है दैट इज ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एग्जाम में कई बार पूछा गया है तो आपको याद रखना है। ओके ये 2030 एजेंडा है, ये इसको बोलते हैं पोस्ट 2015 डेवलपमेंट एजेंडा आफ्टर द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, ठीक है इस चीज को ध्यान रखना है। और एसडीजी जो है जो आउटकम है आपका रियो प्लस 20 कॉन्फ्रेंस का, जो रियो प्लस 20 कॉन्फ्रेंस हुई थी वहां पर इसके बारे में चर्चा की गई थी, क्योंकि रियो डी जेनेरियो में इसको बनाया गया था। इट्स नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट, मतलब जरूरी नहीं है कि सरकारों को इसको फॉलो ही करना मानना है, क्योंकि नॉन बाइंडिंग है। अभी अगर बात करें 2013 की जो रैंक आई थी लास्ट, ये है आपका 112 आउट ऑफ 116 कंट्री, वो जो स्कोर है 63.45 है इंडिया का। अगर बात करें अपनी नेबरिंग कंट्री की तो भूटान का जो है रैंक इसमें 61 है जो कि साउथ एशिया में बेस्ट। इसके अलावा मालदीव 68 है, श्रीलंका 83 है, और अगर बात करें 2022 की तो 121 रैंक थी। बोल सकते हैं कि अभी प्रेजेंट टाइम में जो रैंक है बेहतर होगी पहले से। और इस साल सबसे टॉप रैंकर है दैट इज द फिनलैंड, सेकंड नंबर पर स्वीडन, थर्ड नंबर पर डेनमार्क, और 112 रैंक हमारे इंडिया की है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि एग्जाम में आ सकते हैं तो आपको ध्यान रखना है। और जो डॉक्यूमेंट्री स्क्रीन की गई थी रियो प्लस 20 कॉन्फ्रेंस के अंदर, उसमें फ्यूचर वी वांट को प्रेजेंट किया गया था एज ए आइडिया फॉर द पोस्ट 2015 डेवलपमेंट एजेंडा के रूप में, क्योंकि पहले इसके पहले एमडीजी था तो फिर एसडीजी को लाया गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं आपको याद रखने हैं एसडीजी को लेकर के, जो कि एग्जाम में आ सकते हैं। रैंकिंग स्पेशली आ सकती है, गोल आ सकते हैं, कितने हैं, कितने इंडिकेटर हैं, ये सभी चीजें आपको पता हो रहनी चाहिए।